एवरीवन। तो अभी मैंने जस्ट अपना वीडियो जो शूट किया है उसका आज और मैं बैठी हूँ अपने छत पे। अभी धूप हल्की हल्की थी तो मैं सोची चलो आज छत पे ही बैठते हैं, आप लोग के साथ ब्लॉग भी बना लेते, बातें भी कर लेते। तो अभी आज मैंने लुक जो शेयर किया है सूट का, कौन सा भी आ गए, अब चले आ जाओ, जाओ गेट बंद करो फटाफट, नीचे उतर भले हाफ ना है। तो देखते हैं साड़ी पहन जाता है कैसे। कतान के बाद ना तो दमो सही से लगावा तो लिया जाए। हम लोग का सर सही जाता है। हां, एक दूध ले ले रही है। बढ़िया रहेगा तो ले ही लिया जाएगा और दाम भी बढ़िया रहेगा तो दोनों। अपने मुलायम में क्योंकि हल्की में इधर का कपड़ा प्योर सूट का है। टीपर हो देख रहे हैं। अच्छा, सात टीपर हो लहंगा में सब बनता है। इसका प्रिंटेड थोड़ा अजीब लग रहा है। नहीं, प्रिंट अच्छा नहीं लग रहा है, पूरा बुनाई है। नहीं नहीं, बुनाई है, प्रिंट थोड़ा जो बना है डिजाइन थोड़ा सा ये कैसे मीटर है। चलिए अभी दिखा देंगे। बैठे बैठे शॉपिंग भी हो जा रही है घर में ही बैठे बैठे। तो गाइस मैं बैठी थी ऊपर, गई थी तुरंत, तो वही ऊपर जाने के बाद मैं सोची चलो आज मैं अभी देख रही हूँ मेरे चेहरे पे मेकअप मेकअप लग रहा है ना आप लोग को भी। हाँ, तो मैं अभी वो सूट का लुक शेयर कर रही थी अपने, तो फिर उसके बाद मैं चली गई ऊपर। तो मैं सोची चलो ऊपर चलती हूँ आप लोग से बैठे बैठे बातें कर लेती हूँ फिर। लेकिन आ गए हैं साड़ी वाले भैया, फिर उनको देखने की वजह से आ गए भागे नीचे, फिर आप लोग से बात भी नहीं हो पाई। और मैंने देखी साड़ी का शॉपिंग कर किया जा रहा था घर में बैठे बैठे बैठे। बेटू वो लेते जाइएगा, किचन में रख दीजिएगा प्लेट चाकू दोनों। ये मम्मी फोल ले जाइए, प्लेट चाकू भी लेते जाइए। वो करके लेके जाओ बेटा, अनारका नहीं तो वो प्लेट आप लेते जाओ और चाकू वहाँ किचन में उधर रख दो स्लैब पे बर्तन की जगह पे, और उसको लेके जाइए उठाइए चाकू और प्लेट वहाँ ले जाकर रख दीजिए जहाँ पे बर्तन मांजने वाला होता है। मैं अपने कमरे में रूम में बैठी हूँ, बाबू को दे दी कि बाबू लेती जाओ, तो वो ले गया। अभी मैं अनाजेस्ट का ही हूँ, मैं कर रही हूँ ना थोड़ा थोड़ा सा वीक हूँ, जब थोड़ा चल दे रही हूँ तो शरीर कांपने लग रही है, बट मन है कि मान्यता नहीं बिना वीडियो बनाए। सोचती हूँ आप लोग के साथ शेयर करो, ऐसे देखने से तो मुझे कोई भी नहीं कह सकता कि मैं बीमार हूँ। और मैं सच बता दूँ मैं बीमार का पता चल जब तक एडमिट नहीं हो जाती हूँ, ऐसे भी सर एकदम सो नहीं जाती हूँ तब तक नहीं पता चलते हैं, क्योंकि मैं कंटिन्यू अपने चेहरे को अपनी स्माइल को उसी अकॉर्डिंग बनाई रहती हूँ कि किसी को पता ना चले, यही चीज़ होती है। तो चलिए, अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए आप लोग, प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट, फुल सपोर्ट दीजिए आप लोग, सपोर्ट की आप लोग की बहुत ज़रूरत है। तो मेरे तो गाइस गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, यहाँ सुबह की मॉर्निंग हो चुकी है और बज रहा था 6:30, और यहाँ मेरा नहाना धुलना बाल धुलना ये सब चीज़ें हो गया था, और यहाँ मैं अपनी साड़ी पहन के सही कर रही थी, पिनअप कर रही थी, क्योंकि पिन लगा लेने से ना थोड़ा सा सेफ रहता है, इधर उधर नहीं भागता है। तो यहाँ मैं बाल धुली थी, सुखा रही थी, तो यहाँ मैं अपने तौलिए से पहले बाल को सही कर लेती हूँ। और मैं देखे शीशा उधर है अलमारी में, जब मैं लगा रही हूँ इंकुर अपने माथे पर सिंदूर, तो देखिए शीशा उस साइड में और चेहरा मैं इस साइड में, क्योंकि मेरा जो उधर का साइड है ना तो वो दक्षिण साइड में पड़ता है, तो उधर मुँह करके मैं सिंदूर नहीं लगा सकती, इसीलिए थोड़ा सा पूरब मुँह साइड हो जाती हूँ तो इंगूर लगा लेती हूँ। तो ये देखिए मैं हो गई तैयार। तो यहाँ पे मैं अपने बाल को भी कोम नहीं, कंघी नहीं मिल रहा, बच्ची है ना सब कंघी इधर उधर फेंक देती है, और हमको इतना गुस्सा आता है उसी की वजह से मैं बहुत कम कोम कंघी करती हूँ। आप लोग सोचते होंगे ना कि बाल झड़ा रहता, नहीं बस मैं हाथ डालती हूँ इस तरीके से अपने बालों को सही सुलझा लेती हूँ, बस
ऐसे ही आप लोग के साथ ब्लॉगिंग करती हूँ, बस क्लचर लगा लेती हूँ, फटाफट कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे कंघी इधर उधर कर देते, मिलता नहीं है, तो फिर मैं इसीलिए करती नहीं हूँ। आज मैंने फिर से बड़ी वाली बिंदी लगा ली, जब साड़ी पहन रही हूँ तो बड़ी वाली थोड़ी सी बिंदी लगा रही, क्योंकि मम्मी को मेरी बड़ी वाली बिंदी ज़्यादा पसंद आ रही, बोलिंग है कि लगा ली अगर बड़ी वाली बिंदी चेहरे पता चलती है, छोटी बिंदी नहीं पता चलती है। तो मैं सूट के साथ तो नहीं पहन पाती हूँ, नहीं लगाती हूँ, अच्छा नहीं उतना लगता है, बट साड़ी के साथ कर लेती हूँ। तो यहाँ अब मैं स्वेटर वगैरह डाल लेती हूँ, फिर चलूँगी अपना चाय लेने। और सुबह सुबह पहले तो हमें चाय देना पड़ता है कूड़े वाले भैया को, क्योंकि कूड़े वाले जो लेने आते हैं भैया उन्हें चाय चाहती है। सुबह एक दिन बोल दिए पहले दिन जब आए कि थोड़ा अगर आप ठंडी में चाय पिला देंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब लो भैया सुबह सुबह दान पुण्य वाला भाई काम स्टार्ट हो गया हम लोग का। सुबह सुबह कूड़े वाले भैया आते हैं तो उनको चाय पहले एक कप अपने पियो या ना पियो, पहले उन्हें बना के उनको उनकी वाइफ को देते हैं, तो उनको दे दिए चाय। और मैं यहाँ पूजा वूजा करने के बाद फिर अपना गर्म पानी और गुड़, सुबह एक छोटा सा गुड़ और एक गिलास गर्म पानी, जितना हम पी सके इतना गर्म रहता है उतना मैं ले आती हूँ, बैठती हूँ आराम से पीती हूँ। और फिर पीने के बाद फिर चलूँगी अपना चाय चढ़ाऊँगी। चाय रख दी हूँ, पक रहा है चाय, देर में नहीं चाय पक रहा है धीमे धीमे। और मैं पानी पीने बैठ गई क्योंकि कमरे में लगाई हूँ हीटर, तो बैठ के ऐसे पैर भी सेक ले रही हूँ और पानी भी पी, थोड़ा सा बाल में भी आँच लग जाएगा ना वो हीटर से, तो थोड़ा सा बाल भी जल्दी सूख जाएगा, नहीं तो ठंडा लगेगा फिर से फीवर आ जाएगा। तो यही सब सोचे मैं यहाँ ग्रुप में ही पी रही थी। और मैंने सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट सुबह में कर ली, क्योंकि कल जो था मेरा ब्लॉग उसके बाद मैं बंद कर दी थी, मैं सोची चलो और यही सब करने की वजह से मैं यहाँ बैठ के थोड़ा सेक भी ली और जल्दी जल्दी कर भी ली। तो चलती हूँ अब रूम, पहले किचन में, किचन में अब चलूँगी अपना चाय चानूँगी, उसके बाद लेके आऊँगी रूम में आप लोग के साथ भी। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ, क्योंकि चाय मेरी पक चुकी थी और मैंने बंद कर दिया था, फिर मैं आई बस थोड़ा सा गर्म करने। तो यहाँ पे अब गर्म कर लेती हूँ, गर्म करने के बाद अपने ले लूँगी। और मम्मी भी पूजा कर रही हैं, मम्मी भी नहा ली हैं, वो भी अब चाय अपना लेंगी, बट अभी तो मम्मी पूजा ही कर ही रही हैं, तो अब तक मैं अपने लिए छान लेती हूँ, अपना निकाल लेती हूँ अपने कप में। ये देखिए ब्लैक टी, सुबह का जो मॉर्निंग का होता है ना वो ब्लैक ही टी मेरा होता है, चाय मेरा, चाय मम्मी और दोनों लोग का, बाकी सब लोग वाइट पीते हैं बाद में, मैं भी पीती हूँ, लेकिन पहले ब्लैक टी ही होता है सुबह का मॉर्निंग। और ब्लैक टी कूड़े वाले भैया को भी पिलाती हूँ, बोलती हूँ, वो भी हंसता है, कहता है अरे भाभी हम गया। तो यहाँ देखिए मेरा टी हो गया, मैं चली हूँ कमरे में, चढ़ा रहा होगा क्योंकि धीमे धीमे अब काम स्टार्ट होगा, बच्चे हैं, उठना है धीमे धीमे सब काम। आप लोग हाँ उठ जाइए, बाबू उठो, गुड मॉर्निंग हो गया, ऊपर जाना है गुड्डी उड़ाने। उठिए जी, हाँ उठिए, 7:30 हो रहा। यहाँ मैं चली हूँ कंघी लाऊंगी, अपना कंघी थोड़ा सा बाल सुलझा लूँगी, नहीं तो फिर से दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ कंघी में बैठ के कर लेती हूँ, कंघी कर ही रही थी तब तक सासू माँ तो आज सुबह सुबह ही शिकायत लेके कमरे तक आ गई और दम फायर हो गई कि तुम ध्यान नहीं देती हो। तो आज सासू माँ सुबह सुबह कमरे तक मेरे कंप्लेन करने के लिए आ जाती हैं, क्योंकि थोड़ा सा बच्चे हैं, शरारत करते हैं बच्चे, पढ़ते नहीं। अब सर जी हैं, आते हैं पढ़ाते हैं तो मार देते हैं। तो छोटी वाली बेटी बोल दी, छोटी वाली बेटी को थोड़ा सा मम्मी ज़्यादा वो केयर करती है, तो वो बोल देती है मेरा ये बैक साइड में पेन हो रहा अम्मा, रात को बोली मुझे सर मार दिए हैं इसके कारण, अब मुझे मेरे ऊपर फायर की ध्यान नहीं देती हूँ इसीलिए वो मार दिए हैं, देख लो उसको पेन हो रहा था, रात को दर्द हो रहा था। तो देखो स्वाभाविक है कि दादा दादी हैं उन लोग को बच्चे इतने ज़्यादा वो रहते हैं दादा दादी के कारण कि थोड़ा सा बिगड़ भी जाते हैं। अब उसके लिए मैं क्या करूँ, बच्चे शरारत करेंगे सर मारेंगे ही, तो लेकिन नहीं, माता जी को गुस्सा आ गया कि सुबह सुबह भागे कमरे तक चली आई, रात की रात को नहीं बोली, पता नहीं क्या सोच के वो रात में उनसे बोली और वो सुबह मेरे कमरे तक आ गई गुस्सा होते हुए।
तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, बट हाँ बच्चे हैं तो बच्चे मार खाएंगे, थोड़ा डांट सुनेंगे, थोड़ा शरारती हैं तो कई चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन अब क्या करेगा, कोई छोड़िए जाने दीजिए, वो लोग दादा दादी हैं, ऐसे ही होते हैं दादा दादी का प्यार। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सुबह की मॉर्निंग, इस समय मॉर्निंग नहीं 11 बज रहा है, 11 बजे मेरा किचन क्लीन है, यहाँ तक देखिए किचन को क्लीन किया जा रहा। मैं अभी आप लोग से खाली हूँ क्योंकि मोबाइल थोड़ा सा व्यस्त में था, बच्चों का क्लास चलता है इसलिए मोबाइल उधर चला जाता है। तो ब्लॉग मेरा आज अपने किचन से स्टार्ट नहीं हो पाया था, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और अभी यहाँ मेरा किचन क्लीनिंग चल रहा है तो मैं फटाफट चली हूँ क्योंकि क्लास ख़त्म हो चुका है, बच्चों का तो मोबाइल भी खाली हो गई है। अभी यहाँ पे मैं स्टार्ट की हूँ अपना काम।